please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष अशोक चव्हाण के साथ भिवंडी कोर्ट में पेश हुए, जहां अदालत ने आरएसएस मानहानि केस में राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय कर दिए। हालांकि इससे पहले जब राहुल गांधी कोर्ट पहुंचे तो उनके लिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोप तय करते हुए जज ने कहा कि टीवी चैनलों पर प्रसारित और अखबारों में प्रकाशित आपके भाषण से याचिकाकर्ता और उनके संगठन की छवि को नुकसान पहुंचा, इसलिए आपके खिलाफ मानहानि की आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप तय किए जाते हैं। इसके बाद जज ने राहुल गांधी से पूछा कि क्या वो अपने ऊपर लगे आरोप स्वीकार करते हैं। जज के इस सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि वो दोषी नहीं है। सुनवाई के बाद सामने आए राहुल गांधी ने नाम लिए बगैर ऐलान किया कि वो आरएसएस से लड़ाई जारी रखेंगे। मेरी विचारधारा की लड़ाई है और मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा और हम जीतेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर तय किए गए आरोपों पर बहस होगी। लेकिन राहुल के बयान पर प्रतिक्रिया देने में आरएसएस और बीजेपी ने देने लगाई और दोनों ने कांग्रेस अध्यक्ष के आक्रामक रुख का जवाब बेहद तल्ख लहजे में दिया। उन्होंने अपने को दोषी नहीं माना, अब एक ही रास्ता है, राहुल गांधी को सजा भुगतनी पड़ेगी, इसको सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने 2014 में महाराष्ट्र के भिवंडी में एक रैली के दौरान महात्मा गांधी की हत्या को आरएसएस से जोड़ा था, जिसके बाद राजेश कुंटे नाम के शख्स ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। सवाल ये कि महात्मा गांधी की हत्या को लेकर कांग्रेस अक्सर आरएसएस को घेरने की कोशिश करती है, जिसका जवाब आरएसएस की तरफ से भी दिया जाता है। हालांकि इस बार मामला कोर्ट में है, इसमें राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ना तय है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच से माइक लेकर जनता के बीच पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा और युवा संवाद कार्यक्रम में सवालों के जवाब देते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया माइक लेकर लोगों के बीच पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर केंद्र के साथ मध्य प्रदेश सरकार को भी घेरने की कोशिश की। पेट्रोल का दाम 84 हो गया और डीजल का दाम 75 हो गया, क्यों नहीं मोदी जी के विरोध दिल्ली जाते हैं धरना करने के लिए, तब मैं मानूंगा कि मैं न रोऊंगा और न रोने दूंगा। इसके अलावा उन्होंने व्यापम के मुद्दे पर भी शिवराज सरकार पर तंज कसे और मध्य प्रदेश सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार बताया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दावा किया कि व्यापम कांड से मध्य प्रदेश के डॉक्टरों की छवि बेहद खराब हुई, लेकिन शिवराज सरकार ने व्यापम कांड के आरोपियों को बचा लिया। मध्य प्रदेश का डॉक्टर कहीं बाहर जाता है तो उससे पूछा जाता है आप प्री व्यापम थे या पोस्ट व्यापम थे। चुनावी साल में बीजेपी पर हमलावर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये भी दावा किया कि विधानसभा चुनाव में जनता शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकेगी। सवाल ये कि क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस की कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार सूबे में कांग्रेस को जीत दिला पाएंगे? क्या वहां महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को चुनाव में कांग्रेस बुना पाएगी? लखनऊ में होटल ताज परिसर में खड़े होकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव का स्वागत करने लगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से वहां रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी पहुंचे, जिनका अखिलेश यादव और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अहमद हसन ने स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक इस रोजा इफ्तार में मौलाना सईदुर रहमान आजमी, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली समेत 400 चुनिंदा लोगों को बुलाया गया, जिनकी पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खुद अगवानी की। इस बीच रोजेदारों ने मुलायम सिंह यादव से मिलकर उनका हाल भी जाना। बताया गया कि इस रोजा इफ्तार में शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव भी नजर आए, जिसके बाद समाजवादी कुनबे के एक होने के कयास लगाए गए। हालांकि रोजा इफ्तार के समय ताज होटल के गेट पर अफरा तफरी भी देखी गई, क्योंकि काफी लोग अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। सवाल ये कि क्या एसपी कुनबे में पिछले 2 सालों के बीच जो चल रही कलह है वो खत्म हो गई है? क्या लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी कुनबा फिर से एकजुट हो गया? दिल्ली के एम्स में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जल्द स्वस्थ होने के लिए पूजा पाठ किया। इलाज के लिए एम्स में भर्ती अटल बिहारी वाजपेयी की हालत मेडिकल बुलेटिन में ठीक बताई गई, लेकिन बताया जा रहा है कि इन्फेक्शन की वजह से उनको कुछ दिन और अस्पताल में रखा जाएगा। इस बीच बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने एम्स के बाहर ही उनके स्वास्थ्य के लिए पूजा आयोजित की। जल्द से जल्द अटल जी ठीक हो, उनका स्वास्थ्य ठीक हो और वापस वो सही सलामत घर पहुँचे। कार्यकर्ताओं ने उम्मीद जताई कि अटल बिहारी वाजपेयी जल्द स्वस्थ होकर अस्पताल छोड़ देंगे, उनको दीर्घायु मिले, उन्होंने हमेशा देश हित के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के कई दिग्गज नेता पूर्व प्रधानमंत्री का हाल जानने एम्स पहुंचे। ठीक है, बहुत स्टेबल है, बहुत अच्छा है। एम्स में पूर्व प्रधानमंत्री का हालचाल जानने के लिए न सिर्फ बीजेपी बल्कि दूसरे दलों के नेताओं का भी तांता लगा रहा।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सोमवार के दिन एम्स में इलाज के लिए भर्ती किया गया था और उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश भर में प्रार्थना की जा रही है और उनके चाहने वालों का सवाल ये है कि उनको अस्पताल से छुट्टी कब मिलेगी। कर्नाटक के मैसूरू में कुछ लोग एक बार में एक आदमी को घेरकर पीटने लगे। आरोप है कि लोग मैसूरू में जेडीएस विधायक और कर्नाटक सरकार के मंत्री एस आर महेश के समर्थक थे, जो अपने नेता को मंत्री बनाने पर मैसूरू के एक बार में जश्न मनाने गए थे, लेकिन बार में मौज मस्ती के समय मंत्री एस आर महेश के समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। जब बार के स्टाफ ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। जब नशे में धुत ये लोग बार के एक कर्मचारी को घसीट कर बाहर ले जाने लगे तो दूसरे कर्मचारी ने बीच बचाव की कोशिश की, जिस पर मंत्री के समर्थक भड़क गए और उसे बार की मेज पर पटक दिया। एस आर महेश के समर्थकों की गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गयी। सवाल ये कि क्या कर्नाटक में नई सरकार बनने के बाद मंत्री और विधायक अपने समर्थकों को समझा पाएंगे कि उन्हें लोगों की सेवा करने के लिए सत्ता मिली है, गुंडागर्दी करने के लिए नहीं। दिल्ली के लोगों को फिलहाल गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि दिल्ली में मानसून के लिए 2 हफ्तों का इंतजार और करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 29 जून तक मानसून के आने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले गर्मी से राहत नहीं मिलेगी क्योंकि 17 जून तक आसमान बिल्कुल साफ रहने का दावा किया गया, जिसकी वजह से तापमान भी 40 डिग्री के ऊपर रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 17 जून के बाद भी तापमान में मामूली गिरावट आने की बात कही, साथ ही ये दावा भी किया कि अगले कुछ दिनों तक दक्षिण पश्चिमी मानसून की रफ्तार कम होने की वजह से राजधानी में बारिश के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि केरल में मानसून के समय से पहले पहुंचने के बाद उम्मीद थी कि दिल्ली में भी मानसून समय से पहले पहुंचेगा। बिहार के वैशाली में एक परिवार के 3 सदस्यों को चाकू मारने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बिहार के वैशाली में तलाक के एक मामले में गवाही देने पहुंचे एक परिवार के 3 सदस्यों को कोर्ट परिसर में चाकू मारने के इल्जाम में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के मुरादाबाद में समलैंगिक संबंधों के शक में एक आदमी की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के फिरोजाबाद में एक ट्रक और कार की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। बिटकॉइन फर्जीवाड़ा केस में पुणे की साइबर सेल की ओर से दाखिल चार्जशीट में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा का नाम नहीं है। यूपी के दादरी के पास एक टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने एक कार में संदिग्ध मामला लगने के बाद सूझबूझ दिखाते हुए पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद हरियाणा के गुरुग्राम से अगवा किए गए 2 व्यापारियों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। यूपी के सोनभद्र में ओडिशा के रहने वाले एक लड़के और लड़की ने चलती ट्रेन से कूदकर खुदकुशी कर ली।